हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मूवमेंट शेयर करने वाली हूँ कि जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत मजबूर हो गई हूँ ये बात है शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं इसको बताकर आप लोगों को काफ़ी सारी आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये शायद आप लोगों के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन हो और शायद आपके लिए एक स्टोरी हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ की ऐसी ऐसी वर्ड एक एक पॉइंट है जिसको शेयर करने के लिए मुझे आज बहुत सोचना पड़ा। और क्यों शेयर कर रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी ऐप बताऊँगी, जैसे कि मैंने काफ़ी सुसाइड करने की दो बार कोशिश क्यों करी, अपने बेबी प्रेग्नेंट थी तब और मेरी बेबी हो गई थी उसके बाद भी, मैं CBSE से पढ़ रही थी लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आई कि मैं UP बोर्ड में आई, मेरे को अपनी पढ़ाई रोकने तक की नौबत आ गई, मुझे स्कूल से निकलना पड़ा, क्या मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ और मैं क्या कर रही हूँ और मेरे से आप लोग क्या सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगी, मैं आप लोगों के साथ आज अपनी लाइफ का वो पार्ट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एक मजबूर में हो गई इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, ऐसे कमेंट भी आते हैं जो बुरे भी लगते हैं, काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंगल और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल UP ब्लॉगर रिंगल जैन। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार मैं ऑल आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को अपना सारी बात मैंने शेयर करके बताई, आप लोगों को बहुत मेरी बातों में इमोशंस लगे, मेरी बातें सच्ची लगी, आप लोगों के कमेंट्स आए, भर भर के प्यार मिला। और ये वीडियो मैं इसलिए और शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से या एक दो वीडियो पे ये कमेंट आ जाते हैं, दीदी कि हम ये काम 2 साल से चल रहे हैं लेकिन 2 साल से कर रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हम निराश हो गए, हम टूट गए हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम, मैं जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हो, मेरी बेटी 4 साल की है, वो कि छोटी है, मेरे ऊपर तलाक का केस चल रहा है जो कि मेरे ससुराल वालों ने डाला हुआ है। मैं क्या फेस कर रही थी और मैंने क्यों अपनी ससुराल छोड़ी, क्या रीज़न था क्या नहीं था, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब हम लोग मायके में होते हैं तो हमें हर सुख सुविधा अपने मम्मी पापा अपने से ज़्यादा हम लोगों के लिए देते हैं, खुद दुख ही रह लेंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे पार्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मेरी लाइफ से और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ वो शेयर करते टाइम। मेन पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जिससे आप लोगों को ये मोटिवेशन मिलेगी, जब ये दीदी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग हिम्मत बिल्कुल मत हारा करिए कि मेरे साथ 2 साल हो गए हम नहीं कर पा रहे, मैंने लगातार 5 साल मेहनत करी है उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इस पोजिशन पर पहुँची हूँ। तो आप लोग मेरे से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। आज भी लोग मुझे सुना जाते हैं कि आप व्यूज़ पाने के लिए ये कर रही हो या कुछ भी मेरे से बोल जाते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है, मेरी फैमिली सिर्फ 15,000 तक की नहीं है, मेरी फैमिली जाएगी मिलियन में बिलियन में जाएगी और मुझे लोग आउट ऑफ इंडिया भी जानेंगे, ये मेरा एम है और इसी एम से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग मेरे से साथ बने रहिए, मेरे फैमिली से जुड़ती रहिए क्योंकि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ अभी उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिलना है, आगे भगवान की इच्छा है और मिलेगा, भगवान चाहेंगे, भगवान ने मेरा आज तक साथ दिया है तो आगे भी देगा। देखिए जब मैंने आप लोगों को बताया जैसे मम्मी पापा होते हैं हमें अपने से ज़्यादा ही ज़्यादा प्यार करते हैं, एक समय की बात है जब मैं 7th या 8th की बात है, अचानक से पहले मेरे पापा मतलब दुकान के सामने ना पत्थर टाइप में नाले के ऊपर पत्थर रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई सिटी से बिलोंग नहीं करती हूँ जहाँ पर हर सुख सुविधा हो। सो यहाँ पर अभी तो अब MA के कॉलेज बन गए हैं लेकिन जब मैं शादी होकर आई थी तो MA के कोई भी कॉलेज नहीं थे, आगे बताऊँगी क्या हुआ था। सो वहाँ पर ऐसे पत्थर लगे हुए थे तो अचानक से पापा की जो बाजू थी वो टूट गई, ठीक है, तो धीरे धीरे जब टूटी तो पापा का मतलब धीरे धीरे टूट गई तो फिर पापा का ट्रीटमेंट हुआ, उस टाइम पापा घर पर बैठ गए, कोई भी कमाने वाला नहीं था घर में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा भाई बहुत छोटा था,
उस टाइम ने बहुत ही, मेरी मम्मी ने फिर भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। हम लोग CBSE बोर्ड में पढ़ रहे थे, उस टाइम वो फीस भी बहुत ज़्यादा ही हाई थी अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। उस टाइम वो भी फीस ज़्यादा थी, लेकिन मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी। हाथ टूटा था, पलस्तर चढ़ रहा था बाजू में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे पापा शॉप जाते थे क्यों, हम और मेरी बहन अच्छी तरह से पढ़ पाए और अच्छी एजुकेशन आ पाए। मेरे पापा मम्मी के माइंड में कभी भी ये नहीं है कि मेरी बेटी है और बेटी को कम पढ़ाना है और लड़के को ज़्यादा पढ़ाना है। मेरे पापा मम्मी के लिए जैसी बेटी है वैसी बहू है। उनकी नज़र में कोई भी बहू दूसरे घर से नहीं आई है, उनकी नज़र में कोई भी बहू चोर नहीं है, उनके घर में उनकी नज़र में कोई भी बहू बेटी से कम नहीं है। उनकी नज़र में बहू और बेटी का प्यार दोनों ही बराबर है, आगे चल के भी रहेगा। उन्होंने जब हमारे साथ ऐसा करा, बहुत से लोगों के मन में ये होता है अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन देते हैं लेकिन बहू आने के बाद ये चीज़ बोलते हैं कि बहू आने के बाद ये भी बोला जाता है कि यदि ये पराए घर से आई है इसके सामने कोई चीज़ बात मत करो, इसे घर से निकाल दो, अगर ये घर में रहेगी तो इसको हमारे घर की सारी बातें पता चल जाएंगी। बहुत ही गंदी गंदी सोच है और ये सारी सोचों से मैं निकल रही हूँ, निकल भी रही थी, क्योंकि मैंने आवाज़ जब उठाई जब मेरे पानी सर से ऊपर चला गया था। आप लोगों को पता है कि मेरे ऊपर 2 साल से केस चल रहा था डाइवोर्स का, लेकिन मेरे पापा इसी डर से नहीं जा रहे थे कि उनकी 2 बेटियां और हैं छोटी छोटी और उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या फिर ये सोच के नहीं जा रहे थे कि मेरी बेटी है, मैं उनकी बेटी हूँ और उनके बेटी का घर परिवार नहीं बिगड़े, इसकी वजह से भी वो नहीं जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, फिर मैंने पापा से बोला, पापा जितना आप डरोगे, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, आप लोग कभी भी दबिए मत किसी से। अगर आप लोग जितना दबेंगे उतना ही आप लोगों को दबाया जाएगा, उतना ही आप लोगों के सीधेपन का फायदा उठाया जाएगा। आप लोग कभी मत किसी से दबिए, हिम्मत मत हारिए। मैं हिम्मत हार गई थी, मैं बताऊंगी आप लोगों को। फिर हम लोग बड़े हुए, हम लोग जैसे जैसे 7th या 8th क्लास की बारी आई तो हम लोगों का पापा के जो दुकान पर पापा ने जिसकी रेंट ले रखी थी, पापा के दोस्ती थे पापा एक्चुअली में क्या हुआ था, उनको एकदम से कोई प्रॉब्लम हो गई और मतलब पापा से उन्होंने पैसे लिए, जैसे दोस्त पैसे ले लेते हैं वैसे उन्होंने पैसे लिए, लेकिन पापा ने कुछ भी लिखवाया नहीं। जैसे कि ऐसे आप मेरे से या मेरी फ्रेंड कोई मेरे से पैसे ले ले और लिखवाए नहीं, तो कुछ पैसे नहीं थे, 1-2.5 लाख थे उस टाइम, काफ़ी पैसे थे, ज़्यादा ही होंगे मुझे नहीं पता, और मैं ओपन भी नहीं कर सकती हूँ, सोशल मीडिया है, जितने भी थे अच्छे खासे अमाउंट था, आप लोगों को बता दूँ अच्छा खासा अमाउंट था। तो पापा ने फिर उनसे उनको लिखवाया नहीं, और पापा को पता भी नहीं था कि आज वो पैसे ले रहे हैं और कल वो कोमा में चले जाएंगे। तो हुआ ये ही, उन्होंने ताऊ जी बोलते थे हम उनसे, ताऊ जी ने पैसे लिए, नेक्स्ट डे उनको पता नहीं क्या हुआ, चक्कर खा के वो गिर गए और कोमा में चले गए और रात में वो डेथ हो गई उनकी। अब किसी पर हम लोगों के मतलब हमारा पैसा जो काफ़ी सारा पापा की मेहनत का पैसा था उन पर जो चला गया, तो पापा पर कोई भी प्रूफ नहीं था। लेकिन ताऊ में एक अच्छी आदत थी कि ताऊ जो प्रूफ लिखते थे वो अपनी याददाश्त के लिए, मतलब कोई भी किसी से पैसा लेते थे उसको अपनी याददाश्त के लिए वो अपनी एक डायरी में लिख लिया करते थे, और पापा के सामने भी लिखते थे तो पापा को पता था हाँ ये इस डायरी में लिख लेते हैं। और ताऊ बहुत बेमान इंसान नहीं थे, बहुत अच्छे एक बहुत ही अच्छी सोच वाले थे। फिर पापा ख़त्म हो गए तो एकदम से हम लोग उनके लड़कों से कुछ नहीं मांग सकते थे, लड़के उनके बड़े थे, दोनों ही बड़े थे, एक ऑलरेडी जॉब करता था और एक काफ़ी बड़ा था। वो ख़त्म हुए तो हम लोग नहीं मांग सकते, तो हम लोग 1 महीना रुके रहे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी पैसा था तो उन्होंने फिर पापा ने बोला कि बेटा हमारे पैसे हैं, तो पहले तो उन्होंने मना कर दी कोई पैसे नहीं है। पापा ने कहा बेटा एक बार उस डायरी में देखो जिसमें आपके पापा लिखते थे। तो भैया ने उस डायरी में देखा, उसमें थे लिख रहे थे, तो भैया ने कहा ठीक है इसमें लिख रहे हैं मैं आपके पैसे आपको वापस करूँगा, लेकिन शर्त एक होगी, जहाँ जिस दुकान में आप काम कर रहे हो वो दुकान आपको खाली करनी पड़ेगी। पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई, पापा की 20 साल या 15 साल पुरानी दुकान जो कि जमी हुई दुकान होती है, आप लोग समझ सकते हैं कोई भी हम नया काम डालते हैं तो 2 से 3 साल उसको लग जाते हैं उसको बढ़ने में। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे पापा की दुकान उनको अब समझ में नहीं आया पैसा ले या कुछ ले, फिर दादी वगैरह ने ये बोला कि हाँ
दुख पैसा ले लो, पैसा काम है जा, कुछ भी बोला, मुझे नहीं पता, इतने तब हम लोग समझदार भी नहीं थे। सो पापा ने फिर पैसा उनसे ले लिया, दुकान खाली कर ली। अब पापा को कहीं भी दुकान नहीं मिली थी। 2 साल तक हमने, मेरी माँ ने कैसे घर चलाया मेरी माँ ही जानती है, कि 2 साल तक उन्होंने घर बैठकर हम लोगों की फ़ीस दी। पापा घर पर बैठे थे, सारा सामान दुकान का घर पे आ चुका था, सारा सामान आ चुका था। उसके बाद मतलब कि जो फीस कैसे पापा पे करते थे, मम्मी कैसे फ़ीस पे करती थी, हमें नहीं पता था। पापा ने 2 साल तक CBSE बोर्ड में हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। उसके बाद हमारी 8th हो गई, फिर हमें उससे, मेरी जो प्रिंसिपल थी CBSE बोर्ड की, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे हम, वो फिरोजाबाद साइड था या टूलिक में, ट्रांसफ़र करके उसमें भेज दिया था। बहुत अच्छा कॉलेज था, आप सर्च कर सकते हो, मिल्ड्रन सीक्रेट इंटर कॉलेज है, काफ़ी अच्छा, नेट पर सर्च करना, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा है वो। अगर मैं उसमें पढ़ती तो शायद आप लोगों के सामने नहीं होती, कुछ CA वगैरह बन गई होती। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ किस्मत, हम लोग जो किस्मत में लिखवा के आए होते हैं वही हम लोगों को मिलता है, किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। कर्मठली हमारी फ़ीस वगैरह जमा हो गई, हमारी किस्मत ने पर कर्मठली हम UP बोर्ड में आ गए, हिंदी मीडियम में, CBSE बोर्ड के। हमें हिंदी इतनी नहीं आती थी, वीक थी हम लोगों की हिंदी, समझ में नहीं आता था, काफ़ी चीज़ हमें नहीं भी आती थी। सो एक्चुअली मैं, हमारे प्रिंसिपल, हम लोग पढ़ने में सही सही थे, तो हम लोगों की प्रिंसिपल थी जो MS की, उन्होंने बोला कि आपको UP बोर्ड में करना है तो मेरा नाम लेना, इस वाले कॉलेज में करना, आप कोई और कॉलेज में मत करना। तो उनकी, उन्होंने जिस कॉलेज की बोला पापा ने, उसी कॉलेज में कराया। प्रिंसिपल ने भी हमारी इतनी हेल्प करी थी, 2 साल, उन लोगों को पता था हम शुरू से नर्सरी क्लास से हम लोग उसी स्कूल में पढ़े हैं, तो प्रिंसिपल ने हमें इतना प्यार करती थी। आज भी अगर वो मिल जाती हैं तो हम लोगों का नाम नहीं भूली है। आप लोगों को कभी मैं दिखाऊंगी किसी दिन, आप शायद, हाँ दिखाऊंगी। सो देन मैंने, आज भी हम लोगों का नाम नहीं भूली है, हम लोगों को इतना प्यार करती हैं। 2 साल तक हमारी फ़ीस उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई, बस की फ़ीस उन्होंने माफ़ कर दी थी, प्लस उन्होंने कोई भी फ़ीस हमारी नहीं बढ़ाई थी। 2 साल तक बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। देन फिर पापा ने बोला कब तक हम उनके कर्जों पर रहेंगे या हम लोग ऐसा करेंगे, पापा ने निकाल लिया। उसके बाद फिर पापा ने हमें हिंदी मीडियम में कर दिया था। फिर मेरी इंटर हुई, उसके बाद मेरा BA, उसके बाद मेरी BA हुई, फिर मैं SSC की कोचिंग करने लगी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी BA की लास्ट ईयर में शादी हो गई थी। देन मैंने शादी के बाद, मेरी जो था वो टर्न आया था MA का, शादी के 4-5 महीने बाद ही मेरा, जैसे आप लोगों को पता है कि पेपर हो जाते हैं जून में, वही अगस्त सितंबर के समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं। तो मैं अपने ऐसे नॉर्मली अपने भैया, मेरे मौसी के लड़के हैं, उनसे बात कर रही थी। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर कोई MA का कॉलेज नहीं था। अच्छा, तो मैंने बोला कि वहाँ पर कर लेंगे, प्राइवेट कर लेंगे, कभी कभी जाना होगा, मम्मी पापा छोड़े आएंगे या फिर हम लोग मायके से चले जाएंगे। और हम लोग मायके में ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, तो मेरे जितना भी पापा का काम हुआ करते, दुकान पर भी बैठ जाते थे हम लोग, पापा आगरा वगैरह सामान लेने जाते थे तो हम लोग दुकान पर भी बैठते थे, पापा की हेल्प करते थे, उनके बिल जमा करना, बैंक का काम करना, बहुत सारे काम ऐसे तो थे जो मैं बड़ी थी तो मैं ही कर लेती थी, तो मैं हैबिट थी, तो मैंने कहा ऐसे कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतनी सी बात का इतना पहाड़ बन जाएगा। मेरी कुछ लोगों की आदत होती है कमरे में बात सुनने की, तो मेरी इन लोगों ने सुन ली। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करूँगी, जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा मजबूरी में ये शेयर कर रही हूँ। सो उन्होंने बात सुन ली, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा घर में महावारत हुआ, दिन पर दिन बढ़ता गया। कभी किसी के पीछे मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी मदर इन लोग गाँव में दुकान करती थी, वो नहीं रहती थी, तो कभी देवर खाना नहीं खाते थे, कभी मेरी सिस्टर उन लोग खाना नहीं खाती थी, कोई जरा जरा सी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में महावारत होने लगी थी, लड़ाई झगड़ा, कभी ससुर खाना नहीं खाते थे, कभी मारपीट, कभी सामान फेंकना, बहुत ही ज़्यादा मैंने झेला था। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट थी तो मेरे देवर ने भी मुझे हाथ उठाया था, यहाँ तक कि मेरे चाचा ससुर ने मुझे बचाया था, और मेरे ससुर और सास दोनों खड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बचाया था पिटने से, दोनों खड़े रहे थे, कोई बात नहीं थी, जरा सी नॉर्मली सी बात थी, चाहे नॉर्मली हो चाहे बड़ी हो, किसी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता है। पहले के टाइम में या अब के टाइम में कभी कोई, अगर आप लोगों के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है, चाहे वो देवर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे ननद हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, आप लोग बिल्कुल सहन मत करिए, आवाज़ उठाइए। अगर आप जितना सहन करेंगे उतना आपको सहन करना पड़ेगा, वो लोग नहीं सुधरेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की दुम, मतलब कुत्ते की पूछ, चाहे 20 साल तक भी अगर गाड़ के रखो, वो कभी सीधे नहीं होती, इस तरह से वो भी सीधे नहीं होंगे, आप लोग आवाज़ उठानी पड़ेगी।
मैंने भी आवाज़ उठाई, मेरे साथ अभी भी आप लोगों को पता है मैं रेंट के घर में रह रही हूँ, मेरे को ससुराल से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को, मैंने आवाज़ उठा दी, बस मेरी इतनी गलती थी। अगर मैं सहन करती रहती तो शायद आप आज मैं जिंदा भी नहीं होती, अगर मैं सहन करती तो मर जाती और फिर भी नाम यही हो जाता कि अपने कारण ही मरी है, यहाँ पर खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। क्योंकि इंटरनल कोई नहीं देखता है, हमेशा इंसान आउट ही देखता है, इंटरनल कोई नहीं देखता, आउटर ही देखता है। सो इसी के लिए तो ऐसे बढ़ती गई और मेरे इलनॉज वगैरह सब बाहर थे, लेकिन मुझे देवर से किसी ने मार से नहीं बचाया और मैं बहुत खून वगैरह निकल आया था। मेरे चाचा ससुर, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ससुराल वाले में से मेरे इलनॉज वगैरह को छोड़ के बाकी सबकी माइंड अच्छी है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती हैं, उनको किसी की बात नहीं मानती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कोई क्या समझा रहा है, क्या कुछ कर रहा है। मेरे चाचा ने मुझे बचाया, मैं इतना टूट चुकी थी, एक समय वो था कि मैं इतना टूट चुकी थी कि मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। एक बार मैंने अपने ऊपर पूरा केरोसिन ऑयल डाल लिया था मरने के लिए, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही थी आगे इन लोगों से लड़ पाऊँ, इतना सारा दुख झेल पाऊँ। और एक बार मैंने बहुत सारी मोर्टिन पी ली थी, पता नहीं कुछ ऐसा ही कर लिया था बिना बताए, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हार मान ली थी मैंने इन सब चीज़ों से, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ आप लोगों से ये सारी बातें मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, मैंने आवाज़ उठाने के बाद बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम करने लगती हैं, क्रिएट होने लगती हैं। आपने देखा जैसे कि खाने पीने तक के लाले पड़ गए मेरे, खाना पीना मेरा ख़त्म हो गया जैसे मैंने इन लॉस के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप कभी मत डरिए। अगर आप, मेरी ये गलती थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही आवाज़ नहीं उठाई, मैं सहन करती गई। और एक और बात, मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को अपने घर की लड़ाई में अपने इन लॉस को सामने नहीं बुलाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ पहले ही फेस किया था, उनका कोई भी लड़का नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ मेरे को मेरी शादी में दिया था। आप लोगों ने देखा है मेरे रूम में जितना भी सामान रखा है वो मेरे मम्मी पापा ने दिया है ऑलरेडी, गोल्ड है दिया को, बहुत सारा सामान पापा ऑलरेडी देते रहते हैं, तो ये सारा सामान मेरी मम्मी पापा ने बहुत सारा दिया था। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे पापा मम्मी के इंसल्ट हो, लेकिन मेरे इन लॉज बार बार फ़ोन करके उन्हें बुलाते थे, उनसे तो इतना झगड़ा कराया मेरे पापा मम्मी से, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा कराया। लेकिन उन लोगों को भी जब पता चलेगा, जब उनकी खुद की बेटी ये सब फेस करेंगी, मतलब ये सब कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब इंसान समझ पाता है, दूसरे के आंसू नहीं समझ पाता है। तो उनको भी कभी ना कभी, बोलते ना दुनिया गोल है तो लौट कर वापस सबके पास आता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। सो जैसे जैसे फिर बहुत सारी चीज़ें, मैंने आवाज़ उठाना शुरू करी, मैं कोर्ट जाना लगी, अपने हक़ के लिए लड़ने लगी। मैंने वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करा है, अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन मैंने अप्लाई करा हुआ है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी आगे बढ़ने की, कले मैंने बहुत सारा, उन लोगों ने मुझे पल पल तोड़ने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे घर से बाहर तक निकाल दिया सिर्फ इसी कारण से कि मैं टूट जाऊँ और उनके खिलाफ जो मैं खड़ी हुई हूँ वो ना खड़ी हो पाऊँ। लेकिन मैंने जो फैसला एक बार मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटती। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आवाज़ उठाइए, आगे बढ़िए, होगा ज़रूर आप लोगों के साथ। भगवान कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान आपकी हेल्प करेगा। फिर अभी मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे खाने पीने तक की कमी हो गई थी, हस्बैंड नहीं आते थे, 8-8 दिन नहीं आते थे कभी, और कहते थे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरी सास के घर में रहती थी। और सबसे नंबर बात कि कभी सास ने ये नहीं कहा तू यहाँ पर क्यों सो रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा, इसका मतलब यही है कि वो खुद चाहती हैं कि हम दोनों में कभी बने नहीं, इसका मतलब यही है। और सबसे मेन बात, अगर आप अपने घर की लड़की की शादी करना चाह रहे हो, सबसे पहली बात कि अपने जहाँ शादी कर रहे हो उस घर की अच्छी तरीके से तहकीकात कर लें। अगर कोई भी इंसान, मेरे पापा के पास भी एक गांव वाले अंकल कई सारे गए थे कि इस घर में शादी मत करो, लेकिन फिर मेरे ससुर को, मेरे पापा सीधे हैं, उन्होंने फ़ोन करा ससुर पे कि हम शादी नहीं कर रहे अपनी लड़की की, ऐसे ऐसे गांव वाले आपके मना कर रहे हैं। तो फिर मेरे ससुर उन गांव वालों से लड़ने पहुँच गए कि तुम हमारी लड़के की शादी तोड़ रहे हो। फिर मेरे पापा ने कहा शायद वो लोग तो शादी तोड़ने आए हों, लड़के में कोई कमी नहीं हो। सो फिर पापा ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगी, अगर आपके पास कोई भी शहर का या
आसपास का कोई भी लड़का या कोई भी बोलता है कि ये लड़का घर ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर शादी कर दोगे तो भी उनको कोई घाटा नहीं है, और नहीं करोगे तो भी। तो आप लोग उनकी बात मानिए और उस घर में शादी बिल्कुल भी मत करिए। बैकग्राउंड पूरा जान लीजिए, क्योंकि हम जब किसी घर में रिश्ता लेकर जाते हैं ना, तो हमें बहू की कमी बताई जाती है कि बहू गलत है, क्योंकि अपनी कमी नहीं बताएगी ना वो। और जब शादी हो जाती है तब उसके 6 महीने बाद पता चलता है इंसान कैसा है। फिर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप उसका घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं लड़की का, तो इसी के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कहते हैं ना, फिर देर होने से फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये एक दोहा है, फिर पछताए होत क्या चिड़िया चुन गई खेत। सो इसके लिए सबसे पहले आप बिल्कुल तहकीकात कर लें लड़की की शादी करने से पहले, कि ये घर है कैसा। बिल्कुल 10 जगह पूछे, 50 जगह पूछे, क्योंकि एक बार शादी होती है, रोज़ रोज़ का खेल नहीं होता है। तो और बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। मैंने 2 बार हिम्मत तोड़ दी थी अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ था। मैंने बिल्कुल मरने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं दे सकती थी। और बार बार मेरे इन-लॉज मेरे मम्मी पापा को बुलाते थे इंसल्ट करने के लिए, उनके ये लड़की वैसी। और मेरे पापा की आदत है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो मेरे पापा बोल देते थे कि मेरी बेटी ने कभी मायके में काम नहीं करा है किचन का। जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया कि मैं किचन का काम नहीं करती थी, बाहर के ही करती थी, मेरे पापा बोल देते थे। और मेरी मम्मी से, मेरी सास से मेरी माँ ने बोलकर भी ये शादी करी थी कि मेरी बेटी ने कभी किचन का काम नहीं करा है, आपको ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन वो सिखाती नहीं थी काम। मैं अगर बोलती थी मम्मी मुझे ये बता दो कैसे बनाते हैं, तो मुझे बताती नहीं थी, वो खुद बनाने लगती थी। तो मेरे को समझ में नहीं आता था इतना, लेकिन आप लोगों ने देखा, अब तो मैं सारा काम कर लेती हूँ खुद से, किचन का भी और घर का सारा काम ही कर लेती हूँ। कहते हैं ना, जब अपने ऊपर आती है तो इंसान, अपने ऊपर जब बोझ आता है तो फिर इंसान उठाना भी सीख जाता है उस बोझ को। तो हम सीख गए ना, करना सीख गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल हो। तो चलिए, ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। और आप लोग हिम्मत मत हारिए, कंटिन्यू करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।